आपका नेम नहीं लिखा था, मैं लिख लेती हूँ। ओके रवि बेटा आगे, सर नेम क्या है आपका? ओके रवि का भी हो गया। चलिए सो आर वेलकम यू इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। ओके आज के सेशन में हम एबीएस में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड से एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, है ना? यस मैम। यस मैम। ओके हम चैप्टर सेकंड माय फैमिली पढ़ चुके हैं एंड इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे फैमिलीज का जो रूप है वो बदलता रहता है, व्हाट आर द रीजन टू चेंज द फैमिली, ये पढ़ा है ना? एंड वी लर्न अबाउट द डिफरेंट एबल पीपल। यस बेटा, हमने डिफरेंट एबल पीपल के बारे में पढ़ा ना? यस मैम। कैसे हम इन लोगों की केयर कर सकते हैं, है ना? ओके यस मैम। अभी हम बुक बी से एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, ठीक है? आई एम गोइंग टू शेयर यू बुक बी। ओके बेटा सभी को बुक दिखने लगी? नो मैम। यस मैम। हाँ ओके अभी साइलेंट, एवरीवन साइलेंट। मैम ओके ओके बेटा हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक कर लिया था, है ना? के बाद बुक बी सॉल्व करना है, बुक बी के क्वेश्चंस। एंड बेटा आपके लिए कोई होमवर्क भी दिया गया था, है ना? माय फैमिली एंड यस मैम। ओके यस मैम। अभी तक स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइजेस दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके सो लुक केयरफुली एवरीवन, टिक टू द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस इन द इनकरेक्ट वंस एंड राइट करेक्ट सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। सभी को ध्यान से सेंटेंसेस पढ़ना है बेटा। क्योंकि आप आवाज आ रही हो अपने आपको म्यूट कर लीजिए, आवाज अपने आप फर्स्ट सामने कर लीजिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके देखिए यहाँ पे सेंटेंस इज सेइंग दैट अ फैमिली ट्री शोज अस द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ नेबरहुड। सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है कि फैमिली ट्री, हम फैमिली ट्री जो होती है वो हमें नेबरहुड के आपके नेबरहुड में मीन पड़ोस में जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या बताती है। इट्स ट्रू, इज इट ट्रू बेटा? हाँ बेटा, ये ट्रू या फॉल्स? यस मैम। ट्रू है कि फॉल्स है? यस मैम। अंकुर अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा ईयरफोन निकाल के बोलिए अंकुर, ईयरफोन निकाल दो। यस आप बताइए ट्रू है या फॉल्स? मैम फॉल्स। फॉल्स है, व्हाई? व्हाई इज फॉल्स? मैम क्योंकि फैमिली ट्री में प्यारे मिलता है, नेवर रूट का नहीं। ओके यस राशि, व्हाट डू यू थिंक? राशि ये फॉल्स है ट्रू? हरि आप फॉल्स है? फॉल्स है, व्हाई? तेज बोलिए, बी लाउड, क्योंकि फैमिली ट्री जो होती है वो फैमिली के मेंबर्स की संख्या बताती है, नेबरहुड की नहीं, है ना?
ओके सो वी हैव टू क्रॉस इट. ये सेंटेंस रॉन्ग है सो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे एंड नाउ वी हैव टू रीराइट दिस सेंटेंस करेक्टली. अब इसको करेक्टली लिखना है कि क्या हो सकता है. सो वी हैव टू राइट आ फैमिली ट्री शोज अस द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली. ओके प्रतीक प्रतीक इसका करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे. बिना फैमिली यस. महिमा व्हाट डू थिंक क्या लिखेंगे इसके आंसर में आप. मोहित मोहित अनम्यूट योरसेल्फ. अरे मोहित हम लिखेंगे आगे फैमिली ट्री सो जस्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली. ओके समझ में आया. यस मैम. ओके लुक एट द सेकंड सेंटेंस. अ फैमिली ट्री गिव्स एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ अंकल एंड आंट्स वन हैज इन द फैमिली. इज इट करेक्ट सोनाक्षी. यस मैम. करेक्ट है फॉल्स. ट्रू है फॉल्स. अ फैमिली ट्री गिव्स एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ अंकल्स एंड आंट्स वन हैज इन द फैमिली. फॉल्स होगा. व्हाई. व्हाई बेटा. प्रतीक व्हाट डू थिंक. हाँ बेटा बोलिए. क्योंकि फैमिली ट्री आइडिया और नंबर अंकल और आंट नहीं थे. बिकॉज फैमिली ट्री गिव्स एन आइडिया ऑफ नंबर. ओके एनीबॉडी एल्स कोई और बताए पहले. प्रतीक व्हाट डू थिंक इज इट ट्रू और फॉल्स. ट्रू. ट्रू है. आचल आचल व्हाट्स योर ओपिनियन. आचल ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये. ट्रू होगा. ओके प्राची प्राची सिंह. ट्रू हो गया. फॉल्स. दिव्यांशी दिव्यांशी यू कैन. हाँ ट्रू. ट्रू होगा. ओके राशि राशि. बेटा ये फॉल्स होगा. क्यों. क्योंकि देखिए फैमिली ट्री में सिर्फ अंकल एंड आंट को थोड़ा ना बताया जाता है. फैमिली ट्री गिव्स एन आइडिया अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंट्स कजिन्स है ना. सभी को बताता है ना. तो यहाँ पे फॉल्स करेंगे और उसको रीराइट करेंगे. रीराइट करते हुए कैसे लिखेंगे. अ फैमिली ट्री गिव्स एन आइडिया ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स. ओके समझ में आ रहा है ना. यस मैम. फैमिली ट्री गिव्स एन आइडिया ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंट्स कजिन्स वन हैज इन द फैमिली. इस तरीके से लिखेंगे इसको. अंडरस्टूड. समझ में आया सभी को. कर लेंगे बेटा. एनी प्रॉब्लम अंकुर. No, ma'am. Okay. Look at a sentence number C. Sentence C देखते हैं. A family tree represents only one generation. बेटा कौन बातें कर रहा है. Nobody will talk. A family tree represents only one generation. Generation means? Achal? A generation? Tell? अनन्या
No. Ankur, just tell. बोल बेटा प्रतीक चिल्लाइए नहीं आप बोलिए पहले चल मैम जनरेशन में पीढ़ी पीढ़ी जनरेशन में पीढ़ी जैसे आपकी आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स वो आपकी एक पीढ़ी हो गई फिर आपके पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स वो आपकी एक पीढ़ी हो गई मतलब सिर्फ एक ही जनरेशन ना बता के फैमिली ट्री जो होती है वो मेनी जनरेशन बताती है कि नहीं जैसे अगर हम फैमिली ट्री देखेंगे तो जो कि स्टार्ट होती है आपके ग्रैंड पेरेंट्स से है ना यस मैम ग्रैंड पेरेंट्स की बात आपके पेरेंट्स यस मैम यस फिर आपके अंकल आंट है ना तो ये सेंटेंस भी आपका फॉल्स होगा इसको हम सही से लिखेंगे कैसे अ फैमिली ट्री कंसिस्ट अ फैमिली ट्री टेल्स अस मेनी जनरेशन ओके समझ में आया सभी को ठीक है बेटा सभी को समझ में आ रहा है ना ओके लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम ठीक है बेटा ध्यान से देखिए सभी एवरीवन लुक केयरफुली बहुत ज्यादा मौसम खराब है इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है अभी तक मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है बेटा हेलो एवरीवन ओके लुक केयरफुली सेंटेंस देखिए नेम एनी थ्री मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड राइट द सेंटेंस अबाउट व्हाट यू लाइक इन ईच आपको करना क्या है अपनी फैमिली के किसी थ्री मेंबर्स के बारे में लिखना है उनका पहले नेम लिखेंगे एंड इसके बाद यू हैव टू राइट अ सेंटेंस अबाउट देम उनके बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे जो ये बताएगा कि आप उनमें क्या पसंद करते हो व्हाट डू यू लाइक इन देम समझ में आ रहा है सभी को सपोज दैट अगर हम लिखते हैं इफ आई राइट द थ्री मेंबर्स ऑफ माई फैमिली तो सबसे पहले मैंने लिखा अपनी मम्मा के बारे में माई मदर ओके अब मदर के बारे में एक सेंटेंस ये लिखेंगे माय जैसे कि मैं अपनी मदर के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है सी इज अ गुड लेडी सी इज अ रिलीजियस लेडी नोबल लेडी तो इस तरीके से आपको भी अपने फैमिली के थ्री मेंबर्स के बारे में बताना है कि एक क्वालिटी बताते हुए ओके जो आपको उनमें अच्छी लगती हो करेंगे सभी यस मैम अभी तुरंत बताना है एवरीवन थिंक अबाउट योर थ्री फैमिली मेंबर्स एंड यू ऑल नीड टू टेल मी आई वांट टू नो रेडी यू हैव 1 मिनट अभी सोच लीजिए जल्दी से यस मैम अभी सोच लीजिए पहले एंड After got an idea, you have to show me your hand. She said. चलिए सबसे पहले hand कौन show करेगा? Let me see. Then my mother is Miss Miss says. बेटा कौन बीच में पढ़ रहा है? Reading कौन कर रहा है? She said. गरिमा silent. ओके अभी तक हैंड शो नहीं किया किसी ने भी व्हाई यस राशि टेल बेटा राशि मामा आपकी आवाज कट के आ रही है बेटा आप बोलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है टेल राशि टेल ओके महिमा आप नैना हो ना हेलो नैना मैं महिमा चल ओके कोई नहीं बताएगा अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अपने बता सकते हैं मैंने एग्जांपल दिया
ये समझ में आता है? बोलो बेटा, bring this to me for me and my family. Your mother, your grandmother? Grandmother. Only मतलब बेटा three members के बारे में लिखना है, अपनी family के three members के बारे में आपको बताना है. Your mother, your father, your father. Garima? कोई ऐसे बता नहीं पाओगे तो क्या होगा बेटा? अंकुर यू टेल, कैसे लिखेंगे? वेरी इजी अंकुर. मैम मदर, आपकी मदर, मदर यस मदर, यस यस अंकुर. ओके, जैसे आपने लिखा माय मदर, सो शी इज अ गुड लेडी. यस मैम, माय मदर इज, हां यस मैम, माय मदर इज. ओके, थ्री मेंबर्स के बारे में लिखेंगे. सपोज दैट आपने मदर के बारे में लिखा और फादर के बारे में लिखा या फिर ग्रैंड मदर के बारे में लिखा. थ्री मेंबर्स के बारे में लिखेंगे. मैं फादर इज, हाँ बेटा बोलो. इसके बाद उनकी क्वालिटी भी बताएंगे. ओके, एक ऐसी चीज जो आपको उनमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो. ओके, कर लेंगे. ओके, लुक एट द एक्सरसाइज नंबर थ्री देखते हैं. हाउ मेनी मैटरनल एंड पैटर्नल अंकल्स एंड आंट डू यू हैव? राइट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस. व्हाट डू यू मीन बाय मैटरनल अंकल? मोहित, हेलो मोहित. मैम बताएं. यस टेल. गरिमा, व्हाट डू यू मीन बाय मैटरनल अंकल? मैम बताएं. यस बोलिए महिमा. मैम दादा. व्हाट? दादाजी नहीं होता. अंकुर, मैम बताएं. बेटा एक मिनट, जिससे मैं पूछा मैं उसको बोलने दो. अंकुर टेल. मैम टू. बेटा आई एम आस्किंग व्हाट द मीन ऑफ मैटरनल अंकल. हाँ मामा, मैटरनल अंकल मीन्स मदर्स ब्रदर, है ना? है ना? एंड मैटरनल आंट मीन्स आपकी क्या होंगी, मतलब मामी, मदर सिस्टर भी कह सकते हैं, मामी मामी को भी कह सकते हैं. यश ठीक है. पैटर्नल अंकल में सबके फादर्स के ब्रदर, फादर के ब्रदर, है ना? तो आपको ये बताना है आपके पास कितने मैटर्नल अंकल एंड पैटर्नल अंकल एंड मैटर्नल आंट्स एंड पैटर्नल आंट्स. सो यू हैव टू राइट द नंबर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर्नल अंकल के नंबर यहाँ पे रखना. इसके बाद लिखेंगे पैटर्नल अंकल, फिर मैटर्नल आंट, फिर पैटर्नल आंट. ओके, विल यू डू इट बेटा? सभी कर लेंगे इसको. यस मैम. यस मैम. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीस क्वेश्चंस? ये अभी यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज.
exercises after this live class, okay? And then after you have to submit the photo of your work. Look at the exercise number 2.2 देख लेते हैं बेटा ये मैं इसको समझा देती हूँ ये आप लोग ये कल का होमवर्क रहेगा ठीक है टुडेज होमवर्क इज दिस आप इसको करेंगे एंड टुमारो का वर्क रहेगा एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्योंकि कल आपका लाइव क्लास तो है नहीं कल दूसरे सब्जेक्ट का है सो दैट इसको आप समझ लीजिए जिससे आप सॉल्व कर सको इसे यस मैम बेटा यस मैम यस मैम लुक केयरफुली आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंस दैट लीड टू चेंजेस इन अ फैमिली सेटअप आइडेंटिफाई मींस होता है पहचानना है ना एंड पहचानना सर्कमस्टेंसेस होती है परिस्थितियां सिचुएशन तो आपको सिचुएशंस को पहचानना है एंड आपको ये बताना है कि कैसे फैमिली जो है वो चेंज हो ओके So, question number one is read carefully everyone. Talk to an elderly relatives. इसको करने के लिए आप अपने family members की help लेनी पड़ेगी. समझ आ रहा है बेटा सभी को? Yes ma'am. Yes ma'am. ये question solve करने के लिए you all need to take the help of your family member. देखिए ध्यान से देखिए. Talk to an elderly. Elder means? Rashi elder means? Elder means Garima. Elder means beta network problem ki wajah se bahut dikkat ho rahi hai. Okay. यहाँ पे क्या आपका इल्डर मींस होता है अपने से बड़ा है ना इल्डर मींस अपने से बड़ा हाँ तो आपको अपने फैमिली के जो सबसे इल्डर मेंबर होंगे मींस जो सबसे बड़े होंगे ठीक है इल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली उनसे आप बात करना एंड आस्क हिम और हर अगर इल्डर में आपके ग्रैंड मदर हो या फिर ग्रैंड फादर हो तो उनसे आपको एक क्वेश्चंस पूछने हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत मजा आएगा करने में इसको सभी पूछ के करना देखिए क्वेश्चंस क्या पूछने हैं सभी लोग पूछेंगे कि नहीं एवरीवन टेल मी हेलो एवरीवन मैम पूछेंगे यस क्वेश्चंस क्या पूछने हैं Okay, look carefully. The first question is, where did that person live when he or she was 8 years old? Means, अगर आप अपने grandma से बात करते हो तो grandma से या फिर अगर grandfather से बात करते हैं तो grandfather से जिसे भी आप पूछोगे सबसे पहले उनसे ये question पूछना कि वो कहाँ रहते थे Where did the person live? Means, वो कहाँ रहते थे when he or she was 8 years old? जब वो 8 years के थे ओके अच्छा रहेगा ना कि वो आपको बताएंगे कि वो 8 years के थे तब कहाँ रहते थे आपके जो ग्रैंड पेरेंट है या फिर ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड पेरेंट भी ग्रैंड फादर हो या ग्रैंड मदर हो ठीक है मजा आएगा ना करने में पूछने में आपको पता चलेगी उनकी पुरानी बातें ओके लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी है आपका How many rooms were there in his or her house? मतलब पहले जिस घर में वो रहते थे कितने rooms थे उनके घर में ये भी interesting question है ना है कि नहीं बेटा interested है या नहीं ये question Yes, ma'am. Okay, next question पूछना How many members were there in the person's family when he or she was 8 years old? जब वो 8 years के थे तब उनकी फैमिली में कितने members थे ये पूछना उनसे वो बताएंगे फिर आप write करना Okay? कर लेंगे ना ओके लुक एट द क्वेश्चन नंबर डी हाउ लॉन्ग हैज द पर्सन्स फैमिली बीन स्टेइंग एट द करंट लोकेशन जब वो अभी प्रेजेंट टाइम में जहाँ आपकी फैमिली सेटअप है जहाँ आप रहते हो तो आपने तो बनाया नहीं है फैमिली आपने तो फैमिली बनाया नहीं है होम तो बनाया नहीं है
पेरेंट्स ही बना ग्रैंड पेरेंट्स ही बनवाए होंगे ना घर आपका? यस मैम। और तभी से वहाँ पे रह रहे हैं। आप ये क्वेश्चन पूछना कि प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे वो रहते हैं वो घर उस घर में वो कितने सालों से रह रहे हैं, कितने इयर्स से रह रहे हैं, ये भी पता करना। ओके तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चन नंबर वन ए बी सी डी, फोर क्वेश्चन आपको करना है अपनी फैमिली में जो एल्डर मेंबर होंगे उनसे पूछकर। ओके बेटा। यस मैम। यस मैम। इट्स द होमवर्क फॉर टुमारो। ओके टुडेज वर्क आपका एक्सरसाइज नंबर आपका क्या है 1.2 है, ठीक है 2.1 है एंड एक्सरसाइज नंबर 2 एक्सरसाइज आपका जो वर्क जो टुमारो के लिए है वो 2.2 है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, आपको ये बताना है स्टेट टू सर्कमस्टेंसेस दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द फैमिली सेटअप। आप इसको कर चुके हो अपनी बुक में, पढ़ा है आप लोगों ने। स्टेट मीन्स बताना, ओके टू सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस मीन्स अंकुर सर्कमस्टेंस मीन्स सिचुएशन परिस्थितियां, सर्कमस्टेंस मीन्स परिस्थितियां सिचुएशन। तो आपको ऐसी टू सिचुएशंस बतानी है दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज, जो चेंज लाती है फैमिली के सेटअप में, ठीक है। आपने इसको पढ़ा था ना, कैन यू टेल मी द टू सर्कमस्टेंस, कौन बताएगा, शो मी योर हैंड। ऐसी कौन सी टू सिचुएशंस है जिसकी वजह से फैमिली के सेटअप में चेंजिंग आती है? यू ऑल लर्न इन दिस चैप्टर, अभी पढ़ चुके हो। Yes, ma'am. Okay, hand down, beta. I want to know. कितने लोग बताएंगे? Show your hand. सभी तो कितने hand show नहीं किया? Hand show नहीं पता क्या? Yes, I'm good. Tell. Maybe marriage. Marriage, okay. And second. Baby born, new born, okay, when a baby born in your family, okay, ये भी होता है। Anybody else? Mohit, आप बताइए। Mohit, you tell. Two situations कौन-कौन सी हैं जिसकी family बदलती है? उसका जो setup है, means रहने की जो जगह है, वो बदल जाती है। रहने की जगह बताना, family setup means जो रहने की जगह होती है। Very easy. Aanchal? Sun natural. Yes, yes, natural. Calamities. Natural calamities, yes, yes. Sunakshi? Miss? Ma'am, Prakash or Ma'am Sadhu. Yes, ma'am. नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, इसकी वजह से हो सकता है। एंड ड्यू टू जॉब, जॉब की वजह से भी तो फैमिली सेटअप होता है, बदलता है ना। जॉब की वजह से अगर बाय चांस आपको जॉब की वजह से कहीं और रहना पड़े, है ना। सो ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस, इसको भी करना है। ओके ओके, लुक एट द एक्सरसाइज नंबर बी देखते हैं। यहाँ पे इफ अ गर्ल गेट्स मैरिड, क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा। इफ अ गर्ल गेट्स मैरिड, अगर किसी गर्ल की शादी होती है, लीव्स हर पेरेंट्स होम, तो वो अपने पेरेंट के होम को छोड़ के दूसरे के होम पे जाती है ना, अपने हस्बैंड के होम पे, हस्बैंड के होम पे जाती है ना अपना घर छोड़ के। सो विल देयर बी अ चेंज इन द गर्ल्स फैमिली? ऐसा होने पर क्या गर्ल की फैमिली में चेंजिंग आती है या फिर हस्बैंड की फैमिली में चेंजिंग आती है या फिर दोनों में आती है? मैम गर्ल्स, ध्यान से सोचो,
ध्यान से सोचिए बेटा, एक अगर गर्ल की शादी हुई हो, अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के होम पे जाती है, तो उस फैमिली में चेंजिंग सिर्फ गर्ल की फैमिली में आएगी या फिर हस्बैंड की फैमिली में आएगी या फिर दोनों की फैमिली में आएगी? साइलेंट एवरीवन. मोहित आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू थिंक? दोनों के? यस मैम. ओके प्रतीक, व्हाट डू थिंक? प्रतीक प्रतीक जल्दी बोलो. नहीं पता. तनीज? दोनों. दोनों के बोथ. ओके सलोनी जायसवाल. ओके गरिमा. गरिमा मैम दोनों. बोथ. दोनों की फैमिली में चेंजिंग? दोनों में. यस बेटा. क्यों? क्योंकि गर्ल की फैमिली तो छोटी हो जाएगी, उनकी फैमिली में से एक मेंबर कम हो जाएगा, है ना? होगा कि नहीं? यस मैम. एंड हस्बैंड की फैमिली में, उसके हस्बैंड की फैमिली में एक मेंबर बढ़ जाएंगे, है ना? जाएगा. और इस तरीके से दोनों की फैमिली में चेंजिंग आएंगी, एक में एक के मेंबर्स कम होंगे, एक फैमिली में मेंबर्स बढ़ेंगे, है ना? ओके बेटा, सो विल यू डू इट? सभी लोग करेंगे इसको? यस मैम. ओके बेटा, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर? नो मैम. ओके बेटा, तो अभी आफ्टर दिस सेशन यू हैव टू कंप्लीट द वर्क. ओके एंड आल्सो सेंड द फोटो ऑफ योर वर्क. So, आज का सेशन एंड करते हैं. गुड बाय एवरीवन, टेक केयर. गुड बाय. गुड बाय.